उत्तराखंड सरकार में दो मंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने हरीश रावत की परेशानियां बढ़ा दी हैं। फुरकान अहमद का आरोप है कि हरीश रावत ने हरिद्वार जिले की उपेक्षा की है। उत्तराखंड के तमाम जिलों को सम्मान दिया गया, लेकिन हरिद्वार को नजरअंदाज किया गया है। फुरकान अंदर ही अंदर मंत्री न बनने से घुटन महसूस करने लगे हैं। मैंने तो कई बार पहुँचा ही नहीं, मैं ना कोई अपनी मांग रखी, ना ही कोई मेरी कोई होती। मेरा तो सिर्फ यही कहना है उसमें कि जो हमारा जिला हरिद्वार बड़ा जिला है, जब और सब जिलों में मंत्री बनाए गए तो हमारे जिला हरिद्वार में कोई भी मंत्री बनना चाहिए। हरिद्वार में 4 तहसील है, 6 ब्लॉक है और बड़ा जिला तो है ही, इसमें कोई बात ही नहीं की गई। सिर्फ कुछ मजबूरी थी तो इसलिए थोड़ा नहीं किसी को मौका मिला, और आने वाले समय में फिर मिल जाएगा। एहसास है इस बात का? नहीं, एहसास क्या होता है, तो पार्टी हाईकमान का जो फैसला हुआ हमें मंजूर है, तो एहसास की क्या बात। ये तो मंत्री दो ही बनने थे, क्योंकि हमारा जो था ये दो बनने थे, दो सीनियर थे, बना दिए गए। इतना ही नहीं, फुरकान समर्थकों में भी बेहद आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि फुरकान को मंत्री ना बनाया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 4 सालों से हमारे जिला हरिद्वार में ये कैबिनेट मंत्री का पद देने का दिलासा दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, हमारे फुरकान जी विधायक जी को, और बड़े आक्रोश में हमारे समर्थक जितने भी हैं, समर्थक हैं हम लोग जितने भी हैं, बड़े अफसोस की बात है। हम लोग सोच रहे थे कि पद ये जिला हरिद्वार में आएगा कैबिनेट मंत्री का, लेकिन अभी जब पता लगा कि दोनों पद पहाड़ों पे दे दिए, प्लान में कोई पद नहीं दिया। हमारे यहाँ पे 3-3, 4-4 विधायक हैं, प्लान में किसी को भी ये पद नहीं मिला, और इससे बड़े नाराज है सभी समर्थक। लास्ट टाइम में ये पद ऊपर दे दिया और हमको ऐसे ही दिलासे में रखा, बड़े दुख की बात है। हम जितनी भी हम इनके समर्थक हैं, हमें बड़ा अफसोस इस बात का, ये पद हमारे प्लान में नहीं आया, हमारे माननीय मंत्री प्रधान जी में नहीं आया। देवभूमि न्यूज़ रुड़की।